बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। जो काटने वाले थे वो दशरथ मांझी थे, और वो अपने बीवी के प्यार में पूरा जिंदगी को खत्म करके इस पहाड़ को काटा। ये फिरोजी कलर का जो घर दिख रहा है यही उनका घर है, रोड के पास ही है। देखिए सामने में फिरोजी कलर का जो घर दिख रहा है ये उनका, देखिए पुतला उनका बना हुआ है, आज भी उनके याद में पुतला बना हुआ है। कटा हुआ छेनी हथौड़ी से काटा हुआ नहीं लग रहा है, देख के ही समझ में आ रहा है, पूरा एकदम निशान है छेनी हथौड़ी का। वो जो मशीन से कटता है वो अलग होता है, एकदम पूरा देखिए कैसे कटा हुआ है, एकदम फार बाई फार लग रहा है, पूरा फार दिख रहा है। वेलकम बैक टू नंबर वन ब्लॉग, और आप लोग के लिए ऐसी जगह लेके आए हैं कि आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरत हो जाएंगे। वो इसलिए दशरथ मांझी का नाम आप सुने होंगे, वही अपने हाथों से छेनी हथौड़ी से इस पहाड़ को काटा है। छेनी हथौड़ी से पूरा जिंदगी को ख़त्म कर दिया काटने में, और इस पहाड़ को काटा है वो किस लिए, अपना बीवी के लिए, क्योंकि उनकी वाइफ जो थी उनको तबीयत ख़राब हो गया था, हॉस्पिटल नहीं लेके जा पाया, तो उसकी वजह से मतलब उसकी वाइफ जो है ख़त्म हो गई थी, तो उसके वजह से वो जिद में आके कि हम छेनी हथौड़ी से इस पहाड़ को ढा देंगे, और वो जिद में अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म करके इस पहाड़ को बनाए, और ये रास्ता बनाया गांव का, ये गांव से बाहर को जाता है, ये गांव के अंदर को जाता है, तो ये रास्ता बनाए हैं वो पहाड़ को काट के। और इस पर बहुत सारा मूवीज़ भी बना हुआ है, बहुत सारा पिक्चर भी बना हुआ है, जैसे एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो काम किए हैं वो पिक्चर में, मूवीज़ में। तो आज आप लोग के लिए खास करके हम आए हैं यहाँ पे, खास करके आप लोग के लिए आए हैं कि इस पहाड़ को हमको आप लोग को दिखाना है, दिखाएंगे, जानकारी देंगे, ऐतिहासिक चीज़ है। कैसे बोलते कि बिहार में कुछ नहीं है यार, बिहार में क्या नहीं है, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक जगह है ये, जितना ये सब पहाड़ आप देख रहे हैं सब छेनी हथौड़ी से काटा हुआ पहाड़, और जो काटने वाले थे वो दशरथ मांझी थे, और वो अपने बीवी के प्यार में पूरा ज़िंदगी को ख़त्म करके इस पहाड़ को काटा था। एक अकेला इंसान में कितना ताकत होता है, ऐसे बोलता है क्या इंसान के पास ताकत नहीं है, एक इंसान पूरा शहर पूरा जिला को बदल सकता है, पूरा शहर पूरा जिला को एक इंसान बदल सकता है, इतनी ताकत होता है। ये एक इंसान का पावर देखिए, जो पूरा पहाड़ को इस पार से लेके इस पार तक पूरा पहाड़ को काटे अकेले, वो तब जाके सरकार इस रोड को बनाए हैं, जब पूरा पहाड़ कट गया तो सरकार इस रोड को बनाए। तो अभी वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके लड़के लोग यहाँ रहते हैं ऐसे सुनने में आया है, तो इस पार गांव है, उनके लड़के लोग गांव में रहते हैं, तो अभी तो मैं गांव नहीं जा रहा हूँ, तो उनका गांव आप लोग को दूर से मैं दिखा दे रहा हूँ, यही वो गांव है जिसमें दशरथ मांझी जी रहते थे। देखिए भाई लोग सामने यही वो गांव है जिसमें दशरथ मांझी जी रहा करते थे, अभी तो चेंज हो गया है, देखिए जूम करके दिखा देते हैं, अभी चेंज हो गया है क्योंकि रोड वोड बन गया है, पहले ये गांव में बहुत सुविधा उविधा नहीं था, रोड वोड नहीं था। बात यह है कि पहाड़ पे से उनकी वाइफ जा रही थी और पहाड़ पे से गिर गई थी, गिरने के बाद सीरियस हो गई थी, तो वही ये बोले थे कि इस पहाड़ को मैं तोड़ दूंगा, जिसके वजह से मेरा बीवी बीमार हुई है, जिसके वजह से मेरा बीवी खोई है, तो जिद में इस पहाड़ को पूरा अपने हाथों से काट दिए। देखिए यही वो जगह है, देखिए कैसे बोलते हैं एक इंसान में बहुत ताकत होता है भाई। और यहाँ पे जितने भी है सब पहाड़ी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, कहीं पे भी कोई रास्ता नहीं है, तो यही एक रास्ता है जो वो अपने हाथों से छेनी हथौड़ी से काट के बनाए हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, तो आज भी उनका छेनी हथौड़ी से बनाया हुआ पहाड़ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं भी उसी रोड से आ रहा हूँ और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वही रोड से, वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनका बनाया हुआ चीज़ आज भी है और सदियों तक रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। ये देखिए यही वो गाँव है, और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह हो गया है। तो देखिए मेरा फोर व्हीलर उधर लगा हुआ है, और यहाँ पे बहुत आदमी आते हैं, जितने भी आदमी आते हैं तो यहाँ पे एक बार रुकता ज़रूर है, और ये पड़ता है बिहार में अपना राजगीर के रास्ते पे पड़ता है, तो हम लोग राजगीर जा रहे थे, तो ख़ास करके यहाँ पे हम गाड़ी रुकवाए हैं, इस रूट पे लेके आए हैं ताकि आप लोग को उस पहाड़ से दिखा सकें और मिलवा सकें। तो
देखिए ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं सब छेनी हथौड़ी से काटा हुआ है, और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है 24 MD 91, मतलब कुछ लिखा है सब, तो ऐतिहासिक जगह है। वहाँ पे देखिए बहुत सब जितने पब्लिक है सब फोटो वोटो क्लिक कर रहा है, वीडियो क्लिक कर रहा है, क्योंकि एक इंसान पूरा इस जगह को ऐतिहासिक बना दिया। और इससे तो बहुत मूवीज़ बना है, बहुत सीरीज़ बना है, और अक्सर यहाँ पे मीडिया उडिया आया करता है, वीडियो बनाया करता है। तो मैं ब्लॉगर हूँ, तो इसके लिए ख़ास करके मैं आया था ब्लॉगिंग करने के लिए, और मैं गया में रहता हूँ। नेट पे सर्च मारोगे ना इस पहाड़ के बारे में, कितना मूवीज़, कितना सीरियल, कितना सीरीज़ बना है, बहुत, और आए दिन बनता ही रहता है। तो इस बार का थोड़ा सा दिखा देते हैं। जिस रूट से हम आ रहे हैं वो गांव साइड पड़ता है, और दशरथ मांझी का गांव पड़ता है, और उस पार दूसरा गांव पड़ता है। तो इस पार से उस पार जाने के लिए जगह नहीं था। कितने लोग फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, आए दिन यहाँ पे मीडिया आता रहता है, ऐतिहासिक जगह बन गया ना। ये देखिए ऊपर में सब वीडियो वीडियो बना रहे हैं, ऐसे मीडिया वाला ही है। ये ढलाव का तो गाइस अभी मैं इस पार से उस पार जा रहा हूँ, और दशरथ मांझी का काटा हुआ छेनी हथौड़ी से जगह को, पहाड़ को रास्ते बनाया हुआ है, तो उसी जगह पे अभी मैं चल रहा हूँ। ये देखिए ये दूसरा साइड है, वहाँ पे गेट बना हुआ है, उसी तरीके से एक इधर भी गेट बना हुआ है गांव में जाने के लिए। अभी भी सुनते हैं कि गांव में रहते हैं उनके लड़के लोग रहते हैं दशरथ मांझी के, वो तो ख़त्म हो गए ज़्यादा एज होने की वजह से, लेकिन अभी भी उनके लड़के लोग रहते हैं। वो गाइस अभी मैं जाऊंगा और उनके घर पे, घर को भी दिखाऊंगा। उनके घर के सामने एक उनका पुतला बना हुआ है, और आज भी वो घर है और चबूतरा है, सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, और बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। पास ही में गाँव है, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल ही में है। तो गाइस अभी मेरा गाड़ी उनके गाँव में घुस गया है। ये फिरोजी कलर का जो घर दिख रहा है यही उनका घर है, रोड के पास ही है। देखिए सामने में फिरोजी कलर का जो घर दिख रहा है ये उनका, देखिए पुतला उनका बना हुआ है, आज भी उनके याद में पुतला बना हुआ है। इन्हीं का नाम है दशरथ मांझी, यही वो दशरथ मांझी है। तो गया से मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करने के लिए, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और ऐसे ही ऐतिहासिक जगह देखने के लिए नंबर वन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइस अब निकलते हैं, यहाँ पे मेरा गाड़ी है, अब निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि बहुत शाम हो गया है।